दोहा में कांग्रेसियों ने कानपुर में शहीद हुए पुलिसकर्मियों के लिए 2 मिनट का मौन रख दी श्रद्धांजलि। जनपद अमरोहा नगर में कांग्रेस कमेटी के जिला कार्यालय पर कांग्रेसियों ने कानपुर की घटना में शहीद हुए पुलिसकर्मियों को श्रद्धांजलि अर्पित की और मौन धारण करके उनकी आत्मा की शांति की प्रार्थना के साथ साथ उन्होंने आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की। बता दें कि कानपुर में विकास दुबे नाम के शातिर बदमाश द्वारा पुलिसकर्मियों के साथ हुई मुठभेड़ में 8 पुलिसकर्मियों को मौत के घाट उतारकर शहीद कर दिया गया था, जिसके बाद से पूरे उत्तर प्रदेश में अलर्ट जारी है और लोग इस घटना के बाद से गुस्से में हैं। अमरोहा नगर के कांग्रेस पार्टी के जिला अध्यक्ष पर कांग्रेस नेताओं ने आज जिला अध्यक्ष ओमकार सिंह कटारिया के नेतृत्व में कानपुर की घटना में शहीद हुए पुलिसकर्मियों की आत्मा की शांति के लिए मौन धारण किया और श्रद्धांजलि सभा करके उनके फोटो पर पुष्प अर्पित कर उनको श्रद्धांजलि अर्पित की। कांग्रेस जिला अध्यक्ष ओमकार कटारिया ने इस घटना पर भाजपा सरकार को घेरे में लिया है और कहा कि आरोपी विकास दुबे के बारे में पता लगा है कि वह भाजपा का कार्यकर्ता था, ऐसे में इस पूरी घटना की उच्च स्तरीय जांच बहुत आवश्यक है, इस मामले में जांच कराई जाए और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्यवाही की जाए। जी बताइए, जो आज आपने ये यहाँ पे श्रद्धांजलि सभा की थी, क्या था मामला? कल रात उत्तर प्रदेश पुलिस के 8 जवान कानपुर में अपने फर्ज और कर्तव्य को निभाते हुए शहीद हो गए। एक दुरांत अपराधी ने उनको गोली मार के शहीद कर दिया। बड़ा दुख का विषय है। उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर हम जिला एवं शहर कांग्रेस कमेटी के लोग आज उन 20 जहाज जवानों को श्रद्धांजलि दे रहे हैं। 2 मिनट का मौन धारण करके हमने उनको श्रद्धांजलि अर्पित की है। राज योगी जी की सरकार में कानून व्यवस्था बिल्कुल चौपट हो गई है, ध्वस्त हो गई है। प्रदेश में जंगल राज कायम हो गया है। बदमाश बेखौफ होकर घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं और आज स्थिति ये आ गई है कि आम जनता को छोड़िए, बदमाशों की गोलियों से हमारे पुलिस के जवान भी शहीद हो रहे हैं। सबसे बड़ी सोचने वाली, देखने वाली इस मामले में बात यह है कि जैसे सोशल मीडिया के माध्यम से देखने को और सुनने को मिल रहा है कि जिस व्यक्ति विकास दुबे ने हमारे पुलिस के जवानों की हत्या की है, वो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता बताया जा रहा है। ऐसा कई बड़े नेताओं के साथ उसके फोटो हैं। कई बड़े नेताओं ने उसके सर पे हाथ रखकर उसको आशीर्वाद देने के फोटो सोशल मीडिया में वायरल हो रहे हैं और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को वो गुलदस्ता भेंट करते हुए सोशल मीडिया पे उनके फोटो वायरल हो रहे हैं। आदरणीय प्रदेश मुख्यमंत्री को जन्मदिन की बधाई होते हुए उनके साथ फोटो वायरल हो रहे हैं। तो इस मामले की बहुत ही गंभीरता से जांच होनी चाहिए कि ऐसा अगर वो बीजेपी से का कार्यकर्ता है, वो बुंदेलखंड का क्षेत्रीय अध्यक्ष, युवा मोर्चा का अध्यक्ष है, तो ऐसी बड़ी शर्मनाक घटना है। आज तमाम उत्तर प्रदेश के लिए बल्कि पूरे भारतवर्ष के लिए बड़े अफसोस का विषय है कि हमारे 8 जवान जो बेवक्त वीर गति को प्राप्त हुए हैं, उनके लिए हम सच्चे और अच्छे दिल से खराज अकीदत पेश करते हैं और अफसोस जाहिर करते हैं कि इस घटना को फिर कभी ऐसी कोई घटना ना हो, वो यूपी में नहीं बल्कि भारतवर्ष में। और जो दोषी हैं उन्हें कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए, चाहे वो किसी भी पार्टी से, किसी भी धर्म से, जाति से संबंध रखते हों। जो शहादत हुई है हमारे जवानों की, उसकी हम कभी पूरी नहीं कर सकते, लेकिन आने वाले समय में हम इस बात की एहतियात रख सकते हैं कि इस घटना को पुनः ना दोहराया जाए। तो ऐसे सरकार से हमारा अनुरोध है, दरख्वास्त है कि ऐसे मुजरिमों को सख्त से सख्त सज़ा देनी चाहिए, ताकि एक मिसाल बने कि उत्तर प्रदेश जैसे कांग्रेस के ज़माने में खुशहाल और हर हाल में रोज़गार से भरपूर था, उसी तरीके से इस उत्तर प्रदेश की जिंदगी के लिए हम दुआ करते हैं कि उसी तरीके से हमारा उत्तर प्रदेश फले फूले और इसमें शांति और अमन बना।